नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की लैब अभी हमने करनी है। प्रोटोकॉल्स सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रोटोकॉल चीज़ क्या है। प्रोटोकॉल इज़ अ लैंग्वेज थ्रू विच द कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक, अब हर कंपनी की अपनी अपनी प्रोटोकॉल है। अगर आप जनरल टर्म्स में भी देखो तो हर इलाके के लोग अपनी अपनी ज़बान बोलते हैं। इसी तरह से हर कंपनी के कंप्यूटर्स अपनी अपनी ज़बान बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोटोकॉल है नेट BEUI, नेट BEUI। एप्पल मैकिंटॉश जो हैं उनका प्रोटोकॉल है एप्पल टॉक। नोवेल का प्रोटोकॉल है IPX SPX। ठीक, तो ये हर कंपनी के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं और सारे अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, अब हो सकता है कोई एक बंदा पश्तो बोल रहा हो, एक फ्रेंच बोल रहा हो, एक जर्मन बोल रहा हो, एक उर्दू बोल रहा हो, ये सारे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बनाएगी इंग्लिश। इसी तरह से कंप्यूटर्स के लिए भी एक कॉमन लैंग्वेज बना देगी TCP/IP। ठीक, सब के लिए TCP/IP तकरीबन तमाम ही कंप्यूटर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स ऐड या रिमूव किस तरह से कराते हैं उसको हम देख लेते हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस राइट लेग प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आपको लोकल एरिया कनेक्शन मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप देखो आपके पास TCP/IP ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपने कोई और इंस्टॉल करने हैं प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे प्रोटोकॉल में जाओ और ऐड। ये जो हम कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स, ये अपने सिस्टम के लिए या दूसरे पीसीज के लिए? जो अपने सिस्टम के लिए ना, लाइक आप यहाँ पे अभी IPX SPX इंस्टॉल कर दो। अच्छा, ठीक है ठीक। अब इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर इस काबिल हो गया कि किसी IPX SPX कंपैटिबल कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर ले। लेकिन एक और कंप्यूटर है उसमें भी IPX SPX इंस्टॉल हुआ है, तो आप अगर ना भी इंस्टॉल हो तो आप फिर उससे कम्युनिकेट कर? जी हाँ, IPX SPX नहीं, अदरवाइज नहीं कर सकते। दोनों के पास होना, दोनों के पास सेम प्रोटोकॉल होना जरूरी है। जी हाँ, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास TCP/IP हो, दूसरी के पास IPX SPX हो, हमसे कम्युनिकेट कर सकें? आप पश्तो बोलते हो, दूसरा पंजाबी बोलते हैं, कम्युनिकेट कर लोगे? नहीं, तो लॉजिकल सी बात है ना, इसको तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था, राइट? ये IPX SPX आपके पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है, NW-Link नेटबस और IPX SPX। यहाँ पे आपका इंटरनल नेटवर्क नंबर है, ये नोवेल के ही जो लोग हैं उनके ज़्यादा काम आता है। फिर आपका फ्रेम टाइप है, इसकी इनकैप्सुलेशन वगैरह, ठीक, ये आप नोवेल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आपको आपका इंटरनल नेटवर्क नंबर भी बताएगा और फ्रेम टाइप भी। ठीक, इस तरह से आप मज़ीद प्रोटोकॉल्स वगैरह ऐड करा सकते हो, या सर्विसेज वगैरह भी हैं ऐसी में ही, वो भी आप ऐड करा सकते हो। देखो सर्विसेज हैं या क्लाइंट है, ठीक है, आप अगर किसी क्लाइंट अगर बनाना चाह रहे हो आपको किसी इसको किसी का, लाइक क्लाइंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क्स या नेटवेयर का क्लाइंट बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ से क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट सर्विसेज फॉर नेटवेयर इंस्टॉल करो, फिर क्लाइंट बना लो। अगर सर्विस कोई इंस्टॉल करनी है, लाइक QoS पैकेट शेड्यूलर या SAP एजेंट है, ठीक है, इनको इंस्टॉल करने के लिए आप सर्विस में चले जाओ। ठीक, और कुछ?